अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय, रस्क और ये समोसे लेके आ गई हूँ। इसे कुछ लोग खारा भी बोलते हैं। और ये मैंने बनाई सुबह नाश्ते में दूध वाली सेवइयाँ, बहुत खाने का मूड हो रहा था। और ये चिड़ियाँ हैं, ये ऊपर से दाना खा के यहाँ आके बैठी हैं, आराम कर रही हैं। इनका रोज़ का यही काम है, ये ऊपर से दाना खा के यहाँ सब आके आराम करती हैं। कभी कबूतर बैठे रहते हैं, कभी फाख्ता बैठी रहती हैं। सुबह का टाइम है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि पैनल लगाने के लिए आ जाएंगे। आज ऊपर जो है पैनल लगना है सौर ऊर्जा वाला, तो ये जो है सोलर ऊर्जा वाला ये लेके जा रहे हैं पैनल। ये सबसे ऊपर टेरेस पे ले जा रहे हैं। इसको ले जाना भी बहुत कमाल का काम है, बहुत भारी भी है। ये लोगों ने ड्राइंग रूम में सारा सामान रखा था, बाकी तो सब ले गए हैं। ये खाली थोड़े से पैनल बचे हैं, इन पैनल को भी लेके जा रहे हैं। और हम नीचे जो है खड़े देख रहे हैं कि कहीं इन लोग गाड़ी में ना लगा दें। गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि ये लोग यहाँ मसाला बना रहे हैं। ऊपर प्लर में इन्हें मसाला वगैरह लगाया ना, तो उसकी डस्ट सब हो के आई है। जब कोई काम होता घर में तो हर गंदगी तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, सफाई हो जाएगी। ये बहुत संभाल के ले जा रहे हैं। और मेरी बेटी को लगी है भूख, तो अब क्या करें, तो इन्होंने ली है कोरियन नूडल्स और ये से कोरियन नूडल्स को बनाने जा रही हैं। कोरियन नूडल्स को इन्होंने रख दिए हैं नूडल्स उबालने के लिए, और ये इसमें बनाएंगी, दूसरे बोल में मसाला तैयार करेंगी। ये सारे सॉसेस वगैरह इसी में डाल देंगी, और जब नूडल्स बॉयल हो जाएंगे तो उसको जो है उसका पानी निकाल के इसमें डाल देंगी, मिला देंगी। ये मसाला मिक्स कर रही है, ये हैं के नूडल्स। अब इन सबको ये मिक्स कर देंगी। माशाल्लाह से ये छोटा छोटा सामान बनाने लगी हैं, जैसे नूडल्स वगैरह तैयार कर लेती हैं, और बर्गर है, सैंडविच है, और चिकन टिक्का है, ये सब बना लेती है, छोटे छोटे चीज़ें बना लेती है। और ये अच्छे से उसने मिक्स करके बनाया है, पर मुझे नहीं ये नूडल्स अच्छे लगते हैं। फिर रात में हम लोग आ गए बाहर डिनर करने, क्योंकि दिन भर बहुत थक गए थे और मेरा मूड भी नहीं हो रहा था कुछ घर में बनाने का। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, कुछ वेज खाते हैं। पर यहाँ आके तो बिल्कुल मूड ख़राब ही हो गया, इतना रोड पे जाम था, इतना जाम लगा हुआ था कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकल पा रही थी। और ये है टीले वाली मस्जिद के पास का, जिन्नात वाली मस्जिद को कहलाती है उससे पहले, और आगे है टीले वाली मस्जिद, ये है इमामबाड़ा। यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा जाम था, अब यहाँ रूमी गेट से थोड़ा सा रिलीफ हुआ है और यहाँ से हम लोग अब आसानी से चले जा रहे हैं, वरना तो बहुत जाम था, बहुत परेशान हो गए आज हम लोग। और हम लोग जा रहे हैं चौक, चौक में क्योंकि वेज खाना बहुत अच्छा मिलता है चौक एरिए में, तो हम लोग आए हैं चौक ताकि कुछ अच्छा सा वेज खा सकें। और हम लोगों ने मंगाए हैं डोसा और वेज थाली, ताकि जो है ये देखिए वेज थाली जो है यहाँ की बहुत अच्छी होती है, और डोसा भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा था। और ये मंगाई हम लोगों ने थोड़ी तंदूरी रोटियाँ, और इस तरीके से हम लोग बहुत भूखे थे तो हम लोगों ने खाना खाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है अब थोड़ा हौसला रहे, इसी तरीके से हम और वीडियो बनाते रहें। तो और मेरी जो खुशखबरी की बात ये भी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो फिर चलिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।